होशंगाबाद कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रेलवे ओवरब्रिज के नीचे बंगाली कॉलोनी में एक व्यक्ति हथियार लिए घूम रहा है और लोगों को डरा धमका रहा है। मुखबिर की सूचना मिलने पर एसडीओपी और थाना प्रभारी संतोष सिंह चौहान द्वारा तत्काल टीम का गठन किया गया। टीम मौके पर पहुंची और व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ लिया। बदमाश ने अपना नाम वसीम बेग बताया। टीआई संतोष सिंह चौहान के अनुसार वसीम बेग की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस पकड़े गए। जब घर की तलाशी ली गई तो घर के अंदर नीले रंग के 40 लीटर के प्लास्टिक के 2 कुप्पे में 80 लीटर देसी महुआ हाथ भट्टी की शराब बरामद की गई। आरोपी पर केस दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया। द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि सिंधी गुरुद्वारे के बगल में रहने वाला वसीम पिता नईम बेग अवैध हथियार लिए घूम रहा है। उसके पास एक माउजर है, ये जानकारी लगी थी। तत्काल महिला बल और पूरे समस्त स्टाफ को लेकर मैं मौके पर पहुंचा तो वहां देखा कि वसीम बेग अपने घर के सामने खड़ा हुआ था। उसके चारों तरफ से दबिश देकर पकड़ा तो उसके कमर में जो है माउजर फंसी हुई थी। उसके पास एक 4 जिंदा कारतूस थी बरामद की। उसके घर की तलाशी ली, तलाशी लेने पर 80 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की गई है। आरोपी आयतन अपराधी है कैसे? आयतन अपराधी, इसके काफ़ी अपराध है। पूर्व में भी इसका जिला बदर किया गया था, इसका पुनः जिला बदर तैयार करके पेश किया गया। कितने आरोपी अभी इस मामले में आए हैं? अभी तो इसी के ऊपर कार्रवाई की है। इसको मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी। अन्य और जो भी गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाश है, यदि इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते तो उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो आरोपी कोई घटना को अंजाम देने के लिए माउजर लेके घूम रहा था या आयतन अपराधी? पूर्व में भी इसके कई मामले दर्ज हैं तो निश्चित तौर पर किसी कोई संगीन वारदात कर सकता है।